Today let us discuss about plant physiology and the topic is about transport system in plants. Uh, you can see one picture related to the uh, system and uh, you, you all know carbon dioxide and minerals absorbed by plants and in presence of sunlight uh, and water it produces uh, its uh, food material then it transports uh, through two types of tissue, xylem and phloem.

Uh, इसी को ही बोलते हैं इन प्लांट्स इट इज़ ऑनली वाटर एंड मिनरल्स दैट नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इट्स अदर पार्ट्स तो प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं ठीक है एंड थिंग दैट नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज द फूड प्रिपेयर्ड इन लिप्स उसके अलावा छोड़ के वाटर मिनरल्स को छोड़ के क्या ट्रांसपोर्ट होता है फूड सो फॉर दिस प्लांट नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन देयर बॉडी टू सप्लाई ऑल देयर सेल्स विद फूड वाटर ऑक्सीजन एट्सेट्रा जैसे कि एनिमल फिजियोलॉजी में हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ब्लड के थ्रू होता है ठीक है ब्लड बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेनल्स में टाइम टू टाइम पहुँच के वहाँ से uh, सब uh, जैसे कि एंडोक्राइम्स ग्लैंड से सीक्रेट होता है हॉर्मोन्स और भी कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो कि ट्रांसपोर्ट एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक होना चाह होना है वो सब ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है ठीक है तो ऐसे प्लांट्स uh, में भी होता है transport system in plants transport in biology means carrying substance absorbed or made in the body of an organism to all other part of its body in plants it is only water and minerals that need to be transported to its other part another thing that needs to be transported to other part in plant is food prepared in leaves this is because a plant has a branching shape so it gets carbon dioxide for photosynthesis and oxygen for

क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सनलाइट एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड ऐब्जॉर्ब करता है वाटर के प्रेजेंस में फूड प्रोडक्शन करता है ठीक है एंड मिनरल्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स द से प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉयल थ्रू रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट अदर पार्ट्स लाइक स्टेम लीप फ्लावर एटसेट्रा इट इज थ्रू टू काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यूज कॉल्ड जाइलम वेसल एंड ट्राकिड्स दैट वाटर एंड मिनरल्स मूव रूट ऑफ ए प्लांट टू इट लिब्स तो रूट से लिब्स तक पहुँचाने के लिए जाइलम मदद करता है ठीक है जाइलम भेसल एंड ये दो तरह के uh, टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं बॉडी में प्लांट के जाइलम भेसल जाइलम भैसेल इज ए लॉन्ग ट्यूब मेड अप ऑफ डेड सेल ज्वाइंट एंड टू एंड इट इज़ ए नॉन लिविंग ट्यूब हुई रन फ्रॉम रूट ऑफ ए प्लांट एंड रॉन्स थ्रो द स्टेम एंड रिचेज एवरी लिव ये एक डेड टिश्यू है ठीक है क्लोजली कॉम्पैक्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें और रूट uh, से लिप्स तक पहुंचाने के लिए मदद करते हैं प्लांट को द एंड वॉल ऑफ द सेल आर ब्रोकन सो दैट एन ओपनिंग ट्यूब इज फॉर्मड जाइलम वेसल डू नॉट हैव हैप्लाजम और न्यूक्ली एंड द वॉल ऑफ द वेसल्स आर मेड अप सेल्युलस एंड लिग्निन लिग्निन एंड सेल्युल से मेड अप ऑफ होता है

मिनरल्स वाटर को पहुंचा देते हैं ये जाइलम का काम हो गया जैलम बहसेल एंड ट्राकिड्स ये दोनों में मदद करते हैं इसमें और फिर ग्रोथ होता है आ, फ्रूट का फ्लावर का और प्लांट का ग्रोथ होता है ठीक है देन ट्राकिड्स इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रैकिड्स आर द ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज ट्राकिड्स आर डेड सेल विथ लिग्निफाइड वॉल्स विथ नो ओपन एंड्स दे आर लॉन्ग थिन स्पिंडल सेफ्ट सेल दे हैव पिट्स इन दैम एंड इट इज थ्रू पिट्स ओनली दैट वाटर फ्लोज फ्रॉम द ट्रैकिट टू अनादर ऑल द प्लांट्स हैव ट्रैकिट्स इन दैम तो कंडक्शन के लिए मदद करता है ट्रैकेट्स. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मेकानिजम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन ए प्लांट इट इज़ नेसेसरी टू नो द मीनिंग ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स तो प्लांट के अदर इम्पोर्टेंट एसोसिएटेड टर्म्स देखते हैं कौन कौन सा हमें प्लांट को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं एपिडर्मिस इट इज़ द आउटलेयर ऑफ सेल इन द रूट ऑफ ए प्लांट एंड इज कॉल्ड एपिडर्मिस दिकनेस ऑफ एपिडर्मिस इज इक्वल टू वन सेल देन एंडोडर्मिस इट इज द लेयर ऑफ सेल अराउंडुलर टिश्यू देट इजलैम एंड फ्लोएम इन द रूट ऑफ ए प्लांट एंडोडॉर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कोटेक्स ये भीतर साइड में रहता है एंडोडर्मिस देन रूट कोटेक्स इट इज द पार्ट ऑफ रूट बिटवीन एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस ये दोनों के बीच में रहता है रूट कोटेक्स देन root xylem it is the xylem tissue present in the root it is present at the center of the root epidermis root cortex and endodermis are present between the root hair and root xylem so the water which is absorbed by the root hair from soil fast passes through epidermis root cortex and endodermis and then finally reaches to the root xylem also minerals are present in soil plant takes these minerals from soil in inorganic forms such as nitrate phosphate नाइट्रेट फॉस्फेट के कॉन्स्टिचुएंट्स इनऑर्गेनिक फॉर्म जो है वो भी मिनरल्स uh, एब्जॉर्ब uh, होते हैं सॉयल से और पहुंच जाते हैं लीव्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ग्रोथ के लिए ठीक है मिनरल्स फ्रॉम सोयल गेट्स डिजर्व इन वाटर टू फॉर्म एन एक्वा सोल्यूशन सो वैन वाटर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट टू लिप मिनरल डिपोजिटेड इन वाटर इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड next topic is mechanism of transport of water and mineral in plants root hair absorb the water containing dissolved minerals from the soil root hair is directly in contact with the film of water present in between the soil particles water containing minerals get into the root hair and passes from cell to cell through the process of osmosis and reaches endodermis

वो लिबरेट हो जाता है वाटर इज अप बाय द जयलम भेसेल द प्रेसर एट द टॉप ऑफ द प्लांट दैट इज इन द लीव इज़ लो फेरेस प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द प्लांट इज़ हाई इट इज़ ड्यू टू ट्रांसपीडेशन दट इज द प्रेशर इज लो एट द टॉप ऑफ ए प्लांट एंड इट इज बिकॉज ऑफ लो प्रेशर एट द टॉप ऑफ प्लान दैट वाटर फ्लोज ऑफ द जायम भेसेल इंटू द लीव्स ऑफ ए प्लांट और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू वो उसका देन आ, मैनेज होता है टिश्यूज में प्लाब्स में आ, कि, किस तरह से प्रेशर क्रिएट होता है द कॉन्टीन्यूअस ईभापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन मीन्स कॉन्टीन्यूअस ईभापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लिप्स पर uh, हो के वो uh, लिबरेट हो जाता है बाकी टू परसेंट को छोड़ के बाकी लिब्रेशन हो जाता है इसी प्रोसेस को ट्रांसपरेशन बोलेंगे द लिप्स ऑफ ए प्लांट दैट हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड टोमाटा इट इज थ्रो दैम वाटर इज इवापोरेट्स इन टू द एयर स्टोमाटा के थ्रू ही uh, एक पोर प्रेजेंट uh, होता है उसको टोमाटा बोलते हैं उसी थ्रू ही इवापोरेशन होता है दिस रिड्यूसेज द प्रेशर एट द टॉप ऑफ द जैलम वेसल एंड दस वाटर फ्रोस अप इन टू दैम द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस वाटर एंड मिनरल्स को छोड़ के फूड ट्रांसपोर्टेशन uh, भी होता है प्लांट्स में किस तरह से होता है वो भी देखते हैं पिक्चर में भी एक है द फूड हुई चीज प्रिपेयर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द लीप ऑफ ए प्लांट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट लाइक स्टेम रूट ब्रांचेस एट्सेट्रा तो बॉडी के अदर ऑर्गेनल्स में पहुँचते हैं लीप से जाके देर फोर दिस इज फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू ए काइंड ऑफ ट्यूब कॉल फ्लुएम एक डेड टिश्यूज के बारे में हमने पढ़ा जाइलेम जो कि रूट से लीप तक पहुंचाने के लिए मिनरल्स वाटर मदद करता है देन लीप से ट्रांसपोर्टेशन होके uh, ग्रोथ होने के लिए फ्रूट और लीफ और प्लांट के uh, टिप में जो पहुंचते हैं uh, उसको अगेन एक अलग तरह का टिश्यूज हेल्प करता है उसका नाम फ्लोएम ठीक है द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लिव टू अदर पार्ट ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन इसी प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं टू टर्म हमने इधर पढ़ा एक ट्रांसपीरेशन जो कि इवापोरेशन होता है उस प्रोसेस को बोलेंगे एंड ट्रांसलोकेशन मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट ठीक है फ्लोएम को फ्लोएम के थ्रू जो होता है उसको ट्रांसलोकेशन बोलेंगे द फूड मेड बाय द लिव इन द फॉर्म ऑफ सिंपल सुगर फ्लोएम इज प्रजेंट इन ऑल द पार्ट ऑफ ए प्लांट फ्लोएम तो जाइलम इसी तरह से प्लांट के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम कॉन्टेंप ट्यूब्स फ्लोएम इज ए लॉन्ग ट्यूब मेड अप ऑफ मेनी लिविंग सेल्स जॉइंट एंड टू एंड द लिविंग सेल ऑफ फ्लोएम आर कॉल्ड सीप ट्यूब जैसे कि जाइलम भैसेल और ट्राकिड्स प्रेजेंट होते हैं वो डेड सेल होता है आ, उसी तरह से फ्लोएम में एक लिविंग टिश्यूज प्रेजेंट होता है जो कि जिसका नाम है सीप प्लेट्स हुइच हैव टाइनी होल्स इन दैम इट इस थ्रो दिस होल्स दैट द फूड पासेस एलोंग द फ्लोएम ट्यूब्स सिप ट्यूब कॉन्टेंटोप्लाजम इन दैम वॉट हैव नो न्यूक्लियस इच सीप ट्यूब हैज़ ए कम्पे कॉम्पेनियन सेल हुइच हैज ए न्यूक्लियस एंड मैनी अदर ऑर्गेनल्स ये लिविंग टिश्यू क्यों है इसके अंदर साइटोप्लाजम प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और अदर ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट रहते हैं the cell wall of sieve tube contains cellulose but no lignin the food is made by the mesophyll cell of a leaf and from where uh, it enters into the sieve tube of the phloem these phloem tubes are interconnected and once the food reaches the phloem tube of a leaf it is then transported to all part of a plant the transport of food is necessary because every part of a plant need, to, need food for um, which purpose for energy फॉर बिल्डिंग इट्स पार्ट्स एंड मेंटेनिंग इट्स लाइफ अदर सब्सटेंस लाइक हॉर्मोन मेड इन द टीप ऑफ रूट एंड सूट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम ट्यूब फ्लोएम ट्यूब के थ्रू हारमोन्स जो स्मॉल अमाउंट में भी नीड करता है एक प्लांट वो ही इस फ्लोएम के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होता है देन मेकानिजम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन ए प्लांट इट इज़ बाय यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम ए टी पी दैट

हाई से लो के तरफ सप्लाई होता है इन दिस वे फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ ए प्लांट थ्रू फ्रो एम दिस इज ऑल डिटेल्स अबाउट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स थैंक यू